कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे प्रोसीड करने से पहले, यस, तो कंस्ट्रक्टर की हम लोग बात कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर के अलावा मैंने उस दिन आपको एक और टर्म एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने उसका डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं बताया। तो अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टर की, तो मैंने कंस्ट्रक्टर का मीनिंग आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था कि एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया था नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि अगर हम पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट्स अगर नहीं पास कर रहे हैं तो वो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 133 हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसका मेन से कॉलिंग एक बार हमने अभी तक क्लियर नहीं किया था मैंने उसमें, तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। इस केस में ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1, ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, अगेन कौन सी क्लास के, नम क्लास के। और इस केस में दोनों ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। मैं यहीं पर आपको उस दिन एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर हमने कंस्ट्रक्टर्स नहीं बनाए हैं तो C++ में बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो कॉल होता है, उसका काम कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो कॉल होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तो डेफिनेटली हमने जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं उसी के बेसिस पर वो कंस्ट्रक्टर सिंपली कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं किए हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस केस में एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है तो डेफिनेटली नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। और सिंपली ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के डेटा मेंबर्स में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी इस केस में, 10 और 20, ठीक है। ऐसे ही हम सिंपली डिस्प्ले भी करवा सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स की वैल्यू को। और इंस्टेड ऑफ दिस, अगर हम ऑब्जेक्ट 2 में ये वैल्यू ना रखकर हम कुछ और इनपुट लेना चाहें, तो क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर क्लास में एक्सेप्ट फंक्शन भी क्रिएट किया है, तो अकॉर्डिंगली आप ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेप्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी एक्सेप्ट फंक्शन कॉल होगा तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो अभी इनिशियल वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में 10, 20 और 10, 20 था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट 2 में एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया है ऑब्जेक्ट 2 के साथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट लिया अगर 60 और 80, तो इसके अकॉर्डिंग 60 और 80 वैल्यूज जो है वो डेटा मेंबर्स में क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो यहाँ पर इसको हम लोग स्ट्राइक थ्रू के थ्रू मैं यहाँ पर 60 और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 80, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर काम करेगा, लास्ट वैल्यू हो जाएगी 80 यहाँ पर और ये वैल्यू हो जाएगी 20। अब अगर बात करें कंस्ट्रक्टर के एक और टाइप की, तो वो कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि एक में हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं और एक में हम आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर रहे, ठीक है। देखें कैसे, अगर हमें नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है तो कंसेप्ट वही है जैसा आप लोगों ने जावा में देखा था। तो मैंने अगेन एक क्लास क्रिएट की है, नम इस क्लास का नाम है, ठीक है। दो डेटा मेंबर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ए एंड बी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्लास के पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन की, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए, एक तो नॉन पैरामीटराइज्ड और एक पैरामीटराइज्ड। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का काम क्या है और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का काम, दोनों का सेम यही काम है कि जो ऑब्जेक्ट है उनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करना किसी न किसी वैल्यू से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की, तो देखिए मैंने यहाँ पर A1 और B1 दो सिंपली
पैरामीटर्स पास किए हैं। ये दोनों पैरामीटर्स ए और बी जो पर्टिकुलर डेटा मेंबर्स हैं उनको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, या मैं यूं कहूं कि उनमें वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, कैसे कॉल होगा वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। ऐसे ही डिस्प्ले फंक्शन मैंने क्रिएट किया है वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, और एक्सेप्ट फंक्शन भी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है जो कि ए और बी डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब अगर बात करें मेन से इस पर्टिकुलर क्लास के एग्जीक्यूशन की, ठीक है, या इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की, तो क्योंकि हमने क्लास को यूज करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले num और ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे डिफाइन किया, तो इस केस में डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, क्योंकि मैंने कोई आर्ग्यूमेंट तो स्पेसिफाई एस एच नहीं किया, तो इस केस में यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा नॉन पैरामीटराइज्ड। ठीक है, और कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ था, ये कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट वन। तो ऑब्जेक्ट वन के डेटा मेंबर ए और बी में 100 और 200 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें नॉन पैरामीटराइज के केस में 100 और 200 वैल्यू असाइन हुई थी, सेम यहाँ पर भी यही बात इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अब अगर बात करें ऑब्जेक्ट टू की, तो मैंने इस क्लास का एक और यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पर 300 और 400 दो वैल्यूज क्या कर दी, पास कर दी। ठीक है, तो अब इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अकॉर्डिंग टू आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पर देखें ए वन और बी वन, ये जो दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, तो ए वन में वैल्यू असाइन हो जाएगी 300 और बी वन में वैल्यू असाइन हो जाएगी 400। ठीक है, अब कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ऑब्जेक्ट टू क्रिएट हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट टू के डेटा मेंबर्स में 300 और 400 वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक तो बात हो गई पैरामीटराइज और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अब मैंने इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को सिंपली डिस्प्ले करवाया, एक्सेप्ट फंक्शन कॉल नहीं किया। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट वन के कंटेंट को डिस्प्ले करवाऊं, तो हमारे पास में डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर इस क्लास में मैंने क्रिएट किया है, तो सिंपली ऑब्जेक्ट का नेम और डिस्प्ले फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और इस केस में 100 और 200 ऑब्जेक्ट वन के डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। और ऐसे ही अगर मैं ऑब्जेक्ट टू के साथ में डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूंगी, तो ऑब्जेक्ट टू के साथ में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था उसने इस ऑब्जेक्ट टू के डेटा मेंबर्स में 300 और 400 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, वही डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखें इस केस में ऑब्जेक्ट टू की वैल्यूज 300 और 400 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट हो स्पीड को लेकर या वॉइस को लेकर, कोई भी इशू हो तो प्लीज आप बता सकते हैं। देन आगे कंटिन्यू करें। आई होप आप सब मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। देन हम लोग फंक्शन में जैसे ओवरलोडिंग करते हुए अभी तक हमने जो समझा था C++ में, एज लाइक फंक्शन हम लोग कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ओवरलोडिंग के केस में जो हमारे पास में तीन मेथड्स थे, तीन तरीके होते हैं, वो सेम रहेंगे, चाहे वो फंक्शन की ओवरलोडिंग हो चाहे कंस्ट्रक्टर फंक्शन की ओवरलोडिंग हो। है तो कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन की तरह ही। ठीक है,
अब ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फंक्शंस के नेम सेम होंगे मल्टीपल फंक्शंस के, लेकिन सिग्नेचर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। यही ओवरलोडिंग का मेथड है, यही ओवरलोडिंग का तरीका है। अब इस केस में हम जिस तरीके का कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स हम स्पेसिफाई करें तो वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने एक नम क्लास रीडिफाइन की है, ऊपर भी वापस यही एग्जांपल में मैंने मेंशन किया था, और इस एग्जांपल में भी नम क्लास मैंने डिफाइन की, ठीक है। यहाँ तक मैंने अगर बात की नम क्लास की, तो प्रीवियस एग्जांपल जैसे मैंने दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं ए और बी, ठीक है। देन अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्टर के ओवरलोडिंग की, तो देखें मैंने एक बार वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, देन नेक्स्ट टाइम मैंने टू आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है, ठीक है। दोनों काम यही कर रहे हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये कॉल होंगे, ठीक है, कंपाइलर इनको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होंगे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को किसी ना किसी वैल्यू से ये असाइन कर देंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करेंगे, ठीक है। इसमें भी यही काम हो रहा है और इसमें भी यही काम हो रहा है। इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है और वो ऑब्जेक्ट के दोनों डेटा मेंबर्स में असाइन हो जाएगा, और यहाँ पर मैंने ए और बी डेटा मेंबर के लिए अलग अलग वैल्यूज मेंशन किए हैं। अब ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग, ठीक है। ये ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में नया कंसेप्ट था, बाकी प्रीवियस एग्जांपल एज इट इज है, यानी कि मैंने डिस्प्ले और एक्सेप्ट दो फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। एक्सेप्ट फंक्शन ए और बी दोनों डेटा मेंबर्स में इनपुट लेने का काम करेगा और डिस्प्ले डिस्प्ले करवाने का काम करेगा, ठीक है। अब अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। अब देखें अगर मैं पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन कॉल किया, मतलब ऑब्जेक्ट वन डिफाइन किया है और ऑब्जेक्ट टू डिफाइन किया है, दो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते टाइम जिस जैसे आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ठीक है, यानी कि जितने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उसी बेसिस पर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग यहाँ पर परफॉर्म हो रही है, ठीक है, और वही कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मैचिंग का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो इस केस में मैंने क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो डेफिनेटली वन आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है, यानी कि ये जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, और मैंने वैल्यू इस केस में यहाँ पर पास की है 100, ठीक है। अगर हम 600 भी पास करते तो भी पॉसिबल है, मैंने इस केस में वैल्यू 100 पास की है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट वन के डेटा मेंबर्स ए और बी में दोनों जगह 100 100 वैल्यूज असाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक आर्ग्यूमेंट जो यहाँ एक वैल्यू जो यहाँ पे पास की थी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को ए और बी में दोनों में असाइन कर दिया। तो ये बात हो गई वन आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। और ऐसे ही अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट टू की, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा। तो मैंने यहाँ पे 300 और 400 दो वैल्यूज पास की हैं, तो टू आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट टू के डेटा मेंबर्स में 300 और 400 दो वैल्यूज असाइन हो जाएंगी, ठीक है। ये दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से कॉल हो जाएगा। तो A1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 300 और B1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 400। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर ओवरलोडिंग की, तो हमने जो तीन मैथड्स देखे थे ओवरलोडिंग के, हमने यहाँ पर ओवरलोडिंग का एक मैथड यूज किया, दैट इज डिफरेंट काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। बाकी ओवरलोडिंग के जो दो मैथड है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि हम फंक्शन के साथ ऑलरेडी देख चुके हैं।
ठीक है, काउंट ऑफ आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर उनका सीक्वेंस और उनका डेटा टाइप। इस टॉपिक पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं और फुल मार्क्स भी आप लोग सिक्योर कर सकते हैं इस केस में। अब यहाँ तक कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद सिंपली अगर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन के साथ में मैंने डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो ऑब्जेक्ट वन के डेटा मेंबर्स में 100 और 100 वैल्यूज थी, वो यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही मैंने ऑब्जेक्ट टू को भी डिस्प्ले करवाया है तो इस केस में ऑब्जेक्ट टू के डेटा मेंबर्स में जो वैल्यू है कौन सी वैल्यूज है, 300 और 400। तो सिंपली आउटपुट विंडो पर हमें 300 और 400 ये दो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग एज लाइक नॉर्मल फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगी। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई कंस्ट्रक्टर के ओवरलोडिंग की। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर के केस में वो है ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, हमने ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट टर्म समझी थी अलग से, लेकिन एग्जैक्टली हम कंस्ट्रक्टर के साथ भी अगर यूज करना चाहें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है, तो हम कंस्ट्रक्टर के साथ भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का जो कंसेप्ट है, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को हम एक और टर्म से भी जानते हैं, दैट इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कंपल्सरी और डिफॉल्ट, ये हमने दो अलग अलग कंसेप्ट देखे थे। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के साथ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखें, अगेन मैंने पिक्सल क्लास क्रिएट की है जिसमें दो डेटा मेंबर्स हैं, एज लाइक नम क्लास की तरह ही है ये। नम क्लास जैसे हमने अभी देखा था बिल्कुल वैसे ही है, दो डेटा मेंबर्स हैं ए और बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अभी इस कंस्ट्रक्टर को बाद में समझते हैं, पहले अगर देखें तो एक्सेप्ट और डिस्प्ले नम क्लास की तरह ही मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फंक्शन अगेन इनपुट लेने का काम करेगा डेटा मेंबर्स में जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा। ठीक है, अब अगर मेन की बात करें तो देखें यहाँ पर मैंने पिक्सल क्लास के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। ठीक है, अभी हम इससे प्रीवियस एग्जांपल में ऐसा ही कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट वन में जब हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे तो वो कंस्ट्रक्टर एक आर्गुमेंट वाला कॉल हो रहा था, और जब हम ऑब्जेक्ट टू में दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे थे तो दो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की, तो मैंने जो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग कॉल किए हैं, ऑब्जेक्ट वन में मैंने वैल्यू असाइन की 100 और ऑब्जेक्ट टू में मैंने वैल्यू असाइन की है 300 एंड 400। लेकिन मैंने इस केस में जो कंस्ट्रक्टर है वो सिंपली एक ही डिफाइन किया, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर ना डिफाइन करके मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कैसे क्या किया समझते हैं। पिक्सल जो सिंपली हमारे पास में क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। अब मैंने इस केस में एक तो int a1 एक वेरिएबल डिफाइन किया यहाँ पर, ठीक है, एक पैरामीटर डिफाइन किया, एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया, और ऐसे ही मैंने b1 एक पैरामीटर डिफाइन किया। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि जो b1 वेरिएबल या पैरामीटर है मैंने उसमें वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर असाइन कर दी 10। ऑटोमेटिकली का मतलब यहाँ पर कि जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, तो हमने b1 की वैल्यू एक वैल्यू से यहाँ पर इनिशियलाइज कर रखी है, और इस b1 को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये कहलाएगा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि हम अगर यहाँ पर इस b1 की वैल्यू नहीं भी अगर कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे तो जो हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर रखी है वही असाइन हो जाएगी।
तो अगर मैं बात करूं इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स की, इन सॉरी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, तो ऑब्जेक्ट वन के केस में जो 100 वैल्यू मैंने पास की है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? जस्ट वेट अ मिनट. यस, तो अब अगर आगे कंटिन्यू कर, तो देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट वन में जो 100 वैल्यू पास की है, ठीक है, तो अगेन और ऑब्जेक्ट टू में जो 300 और 400 वैल्यू पास की है, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन जब हम डिक्लेयर करेंगे तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है. अब इस केस में मैंने यहाँ पर एक ही वैल्यू पास की है, एक वैल्यू क्या पास की है मैंने, 100, ठीक है, यानी कि बी के लिए मैंने कोई भी sh वैल्यू पास नहीं की. तो अब क्या होगा, तो देखें इस केस में क्या होगा, अगर मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं की तो ए वन जो कि कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट है उसमें तो 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी और वो वैल्यू सिंपली ऑब्जेक्ट वन के डेटा मेंबर में कॉपी हो जाएगी, ठीक है. लेकिन अगर मैं बी वन की बात करूं तो बी वन में मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की तो डिफॉल्ट वैल्यू ही यहाँ पर यूज में आएगी और यही बी वन की वैल्यू सिंपली यहाँ पर कॉपी हो जाएगी किसमें, बी में. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन की जो डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें वैल्यू क्या कॉपी हो जाएगी, 100 और 10. सेम अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट टू की तो यहाँ पर डेटा मेंबर्स में 300 और 400 जो वैल्यू हमने पास की है, ठीक है, वो सबसे पहले इस कंस्ट्रक्टर में पास होगी और बी वन की जो वैल्यू है अब यहाँ पर क्योंकि मैंने पास की है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, ऑब्जेक्ट में पास किया है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. तो अब 10 वैल्यू की जगह पर बी वन की वैल्यू किससे इनिशियलाइज हो जाएगी, 400 से, ठीक है. तो अब इस केस में जो नए वैल्यूज हमें विजिबल होंगे, ठीक है, तो ए की वैल्यू अगेन यहाँ पर हो जाएगी 300 और बी की वैल्यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट टू के केस में हो जाएगी 400. तो ये काम होगा यहाँ पर कब, किस केस में, जब हम ऑब्जेक्ट टू को डिफाइन करेंगे, ठीक है, और सिंपली 300 और 400 का ब्लॉक जो है सिंपली इस तरीके से यहाँ पर आपको मेमोरी में, मतलब मेमोरी में आपको सिंपली ऐसा कुछ होगा. और अगर हम बात करेंगे इनके डिस्प्ले की, तो मैंने ऑब्जेक्ट वन के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है तो ऑब्जेक्ट वन के कंटेंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे. सेम ऑब्जेक्ट टू की बात करूं तो ऑब्जेक्ट टू के साथ मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है तो इस ब्लॉक में ए और बी की जो वैल्यू है वही यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से विजिबल हो जाएंगी एज अ आउटपुट. अब कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. यहां तक कंस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग जो मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करने थे वो मैंने क्लियर किए, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर के अलावा हमारे पास में क्लास का एक और स्पेशल मेंबर फंक्शन जो है हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अगर मैं बात करूं इसकी डिस्ट्रक्टर की, कंस्ट्रक्टर के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है डिस्ट्रक्टर. तो देखें डिस्ट्रक्टर जो हमारे पास में टर्म है सिंपली अगेन एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है. स्पेशल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है. एज लाइक कंस्ट्रक्टर हमें डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करने की जरूरत नहीं होती है. अब डिस्ट्रक्ट का अगर मैं मीनिंग हिंदी में समझाऊं तो जो कि क्या करेगा, किसी को वेनिश या फिनिश करने का काम करेगा, वही सेम यहाँ पर भी कंसेप्ट है, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर तो क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को बेसिकली इनिशियलाइज करने का काम कर रहे थे, ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स को. ये क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में से फिनिश या मैं यूं कहूँ कि उनको रिमूव करने का काम करेंगे. कैसा क्या होगा,
देखते हैं। अब बात करें डिस्ट्रक्टर की, तो स्पेशल मेंबर फंक्शन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, प्लस कब कॉल होगा, जब हमारे पास में या तो कोई ब्लॉक में हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो पर्टिकुलर ब्लॉक एंड होगा, या हमने हमारे प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स अगर क्रिएट किए हैं तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी में से फ्री कर देगा। ठीक है, तो कंपाइलर इसको कॉल करेगा, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रक्टर को। ठीक है, कब, जब ऑब्जेक्ट्स का स्कोप यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों में सिमिलैरिटी तो ये है कि दोनों स्पेशल मेंबर फंक्शन है। मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस का, एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एग्जैक्टली काम क्या हो रहा है। डिस्ट्रक्टर के रिगार्डिंग काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर को डेफिनेटली हम कंस्ट्रक्टर के केस में हम जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जिस हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं भी करें तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर हमने क्रिएट किया है तो वो सिंपली कॉल हो जाएगा। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में हम कभी भी क्या नहीं करते, आर्ग्यूमेंट्स डिस्ट्रक्टर को पास नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट मेंशन किया है कि वी कैन नॉट पास आर्ग्यूमेंट इन द डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सेम ओवरलोडिंग भी डिस्ट्रक्टर की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए, पहला कि ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, दूसरा हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आगे प्रोसीड करें तो कंस्ट्रक्टर की तरह ये भी यहाँ पे उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है डिस्ट्रक्टर का, तो ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। सिमिलैरिटी अगर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात करूं तो दोनों का नेम सेम होता है जो कि क्लास का नेम होता है, प्लस दोनों को हम डिस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर दोनों को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी। ठीक है, प्लस डिस्ट्रक्टर के केस में जो मेन समझने वाली बात है वो है पॉइंट नंबर लास्ट वाला। ठीक है, मैंने ऐसे कोई नाम इनका नंबरिंग नहीं कर रखी है, बट ये नंबर होगा फिफ्थ। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया इस पॉइंट को कि कंस्ट्रक्टर का जो कॉलिंग सीक्वेंस होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने पहले डिफाइन किया, ठीक है, उसके केस में डिस्ट्रक्टर सबसे लास्ट में कॉल होगा। इस पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू वापस से डिस्क्राइब करूंगी, अभी के लिए इतना समझना है जो कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग सीक्वेंस होती है उसका जस्ट रिवर्स होता है डिस्ट्रक्टर का कॉलिंग सीक्वेंस। कैसे क्या होगा एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इसका सिंटेक्स, हम कब से डिस्ट्रक्टर वर्ड तो यूज कर रहे हैं लेकिन इसको बनाए कैसे। तो देखें, इसको क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लास का नाम, जो डिस्ट्रक्टर का नाम होगा वही मेंशन करना होगा। लेकिन अब इस केस में अगर डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है, यहाँ तक तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाता, लेकिन जैसे कि हम जो क्लास का नाम रख रहे हैं वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता था, लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पर हमें ये टिल्ट का जो साइन है वो ऐड करना होगा। तो ये सिंपली डिस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का तरीका है। ठीक है, जैसे नॉर्मल फंक्शन क्रिएट होते हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टर इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। अगर हम क्रिएट नहीं करते हैं तो भी डिस्ट्रक्टर डेफिनेटली कॉल होता है। सेम कंस्ट्रक्टर भी अगर मैं नहीं क्रिएट करूं तो बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट नाम का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि डिस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। मैंने इस क्लास में सबसे पहले क्लास का नाम है पिक्सल, दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों डेटा मेंबर्स में इनिशियली अभी यहाँ पर मैं कहूँ तो इंटीजर है तो जीरो वैल्यू हम कह सकते हैं, बाकी अगर स्ट्रिंग है तो कोई भी यहाँ पर स्पेसिफिक वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती है। तो हमने अभी क्या किया है,
इन मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए, या यूं कहूं कि ऑब्जेक्ट्स को जब हमने क्रिएट किया था, ठीक है, क्रिएट करेंगे तो कुछ ना कुछ इनमें वैल्यूज प्रॉपरली होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जीरो. तो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किए हैं. दो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, एक तो पिक्सल, ठीक है, सिंपली जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है जिसको हम नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, और एक है हमारे पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तरीका बिल्कुल वही है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा था कंस्ट्रक्टर का. यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के केस में मैंने कुछ भी नया एक्सप्लेन नहीं किया, बट डिस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो उससे पहले आप देखें, मैंने यहाँ पे एक एड पिक्सल नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है. इसको समझते हैं कैसे काम होगा. और उससे भी पहले यहाँ पर अगर मैं कंसेप्ट वापस से क्लियर करूं, तो मैंने डिस्प्ले फंक्शन को दोबारा से क्रिएट किया है और एक्सेप्ट फंक्शन को भी वापस से यहाँ पर पिक्सल क्लास में क्या किया है, क्रिएट किया है. अब इस केस में अगर मैं बात करूं सिंपली डिस्ट्रक्टर की, तो देखें यहाँ पर ये मैंने एक डिस्ट्रक्टर क्रिएट किया है, ठीक है. इस डिस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया है, सिंपली एक छोटा सा यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन किया है कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है. डिस्ट्रक्टर एग्जैक्टली कॉल होगा जब हमारे पास में कोई ब्लॉक एंड होगा, या फिर हमारा प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ एग्जीक्यूट, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मेमोरी में से फ्री हो जाएंगे, ठीक है, डिस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तब. तो ये तो बात हो गई डिस्ट्रक्टर की. मैं रिपीट करती हूँ मैंने क्या बोला. तो यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टर जो है वो मैंने सिंपली क्रिएट किया है, ठीक है. अब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अगर हम देखें, तो उससे पहले मैंने यहाँ पर एक एड पिक्सल नाम का फंक्शन क्या किया है, क्रिएट किया है, ठीक है. तो देखते हैं एग्जैक्टली इस फंक्शन में क्या होगा. तो इस फंक्शन को समझने के लिए पहले हम इसके कॉलिंग का तरीका देख लेते हैं कैसे क्या होगा. तो सबसे पहले क्लास को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर P1 और P2 नाम से दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं. P1 ऑब्जेक्ट के साथ में सिंपली मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. कौन सा कंस्ट्रक्टर? जीरो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, ठीक है. कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया हमने इसको, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल हुआ था कंस्ट्रक्टर? यहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली P1 ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल हुआ था. P1 ऑब्जेक्ट ने ही इसको, सिंपली यूं कहें कि P1 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ था तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था. तो P1 ऑब्जेक्ट के A और B डेटा मेंबर्स में 10 और 20 वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई, ठीक है. अब अगर हम बात करें P2 ऑब्जेक्ट की, तो P2 ऑब्जेक्ट के केस में मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेटा मेंबर्स में 300 और 400 ये दो वैल्यूज पास की हैं. तो देखें 300 और 400 वैल्यू यहाँ पर असाइन हो गई. इसके बाद मैंने यहाँ पर एक एड पिक्सल नाम का फंक्शन कॉल किया. कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में? P2 नाम के ऑब्जेक्ट के साथ में. और P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की अभी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 300 और 400, ठीक है. अब देखें एग्जैक्टली 300 और 400 जो वैल्यूज हैं, अगर मैं एड पिक्सल फंक्शन की बात करूं, तो मैंने यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ऐड किया है. मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. तो पी ऑब्जेक्ट जैसे ही यहाँ पर क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है. कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो इस केस में 10 और 20 कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जीरो आर्ग्यूमेंट वाला, यानी कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. और पी के डेटा मेंबर्स में 10 और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो इस तरीके से वैल्यू असाइन हो गई. सिर्फ लास्ट एक मिनट, एक सेकंड में आप लोगों का लूंगी और
सिर्फ इतना मुझे क्लियर करना है कि जब ये पर्टिकुलर ब्लॉक एंड होगा, मैंने अभी ब्लॉक को समझाया नहीं है कि कैसे काम होगा, लेकिन जब ये ब्लॉक टर्मिनेट होगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और इसके बाद जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा वो P2 ऑब्जेक्ट के लिए होगा, यानी कि P2 ऑब्जेक्ट मेमोरी में से इरेज होगा, और एट द एंड P1 ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।